है और ऑफ बीट में हम ये तीसरी व्लॉग बना रहे हैं। पहली दो व्लॉग आपको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स पे। पहला ये कि हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज हुई जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा 4-0 से, हम इस पे बात करेंगे। और हम बात करेंगे वहाब रियाज की अचानक टीम में वापसी की और इसके अलावा जुनैद खान की एक वियर्ड सी एक रिएक्शन की। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि मजीद इस चीज पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है अचान, वेलकम ऑफ टू ऑफ बीट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बीट। और जाने माने मिस्टर शहाब अरसलान, शहाब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ऑफ बीट के देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, कैसे हैं आप लोग? तमाम लोग उम्मीद है ठीक होंगे। और आज सबसे पहले मैं बात करूंगा शहाब से कि शहाब भाई, चार वनडे हम खेले और चारों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, रिजल्ट के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं क्या खोया और इन चार वनडे से आप कुछ पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं या मजीद आप क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है? देखिए फाको, एक पॉजिटिविटी तो जब निकलती है ना जब टीम पॉजिटिव हो, जब टीम पॉजिटिव खेलेगी तो पॉजिटिविटी भी नजर आती है। लेकिन आपने देखा कि चार ओडीआई जिस तरह पाकिस्तान हारा है 4-0 इंग्लैंड में, वर्ल्ड कप से पहले जब आप चार मैच हार जाते हैं तो उसके बाद आप बताएं कि आगे आपको वर्ल्ड कप में मैचेस में जाना है तो आपका मोरल जो है वो क्या होगा, मोरल कितना डाउन होगा। और उसके बाद जो है सबसे जो परेशान कुन बात जो मुझे लगी वो हमारे बॉलर्स का फील होना, जो आज तक हम पाकिस्तान बॉलिंग से मैच जीतता हुआ आया है और आज हम अपनी बॉलिंग की वजह से मैच हार रहे हैं, तो सबसे परेशान कुन बात मेरे लिए ये है। अब इस पर बाकी बात आप मैं शाम से पूछूंगा। शाम जैसे कि शाम ने कहा कि बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है सवाल या निशान है, लेकिन बॉलिंग तो इंग्लैंड ने भी की, रन जो तकरीबन इनको भी लगे अपने, आप क्या कहेंगे सर? इस बार मेरा ये कहना है कि शाह भाई ने बोला कि हम जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से मैच जीतने वाले हैं, बट हमें एक चीज़ ये भी देखनी है इसमें कि हम अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर चुके हैं इस पूरी सीरीज में जो कि हमने खेली है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि बैटिंग जो है वो हमेशा जो है वो एक ग्रे साइड रही है पाकिस्तान की, और इसके लिए अभी जो इम्प्रूवमेंट हमें देखनी होंगी है वो हमें अपनी बॉलिंग में चाहिए। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी पिछले कुछ सालों में, बहुत अच्छी रही है, मगर अब जो एक डाउनफॉल आया है बॉलिंग के अंदर, स्पेशली फील्डिंग बहुत ख़राब थी। हम कुछ इंपॉर्टेंट कैचेस अगर ले लेते इन मैचेस में तो हम शायद एक या दो मैचेस जीत सकते थे। शायद मुझे बताएं कि इमाम उल हक के 150 रन, सैफी भाई के यादगार 97 रन और डिफरेंट हमारे शुएब मलिक की 50, हफीज़ की 50, फखर जमान की 100, ये सब क्या आपके टेलीविजन में नहीं आए थे? बिल्कुल टेलीविजन में आए थे, लेकिन देखिए बैटिंग आप जब करेंगे बैटिंग उस वक्त काम आएगी जब आपकी बॉलिंग क्लिक करेगी। आप बैटिंग में 400 रन बना दें लेकिन अगर आपकी बॉलिंग नहीं क्लिक कर रही तो वो 400 रन का टारगेट चेस हो जाएगा। तो बात तो यहाँ पर ये हो रही है कि हमें बैटिंग करनी अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है कि सैफी भाई जो कि 2 साल बाद उन्होंने कोई 50 बनाई है, कोई छक्का उन्होंने मारा तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड कप से पहले जो है वो सैफी भाई भी फॉर्म में आए नज़र आए हमें, और उसके अलावा जो है फखर जमान भी फॉर्म में नज़र आए, बाबर आजम भी फॉर्म में नज़र आए, लेकिन सबसे परेशान उन बात हमारी बॉलिंग और फील्डिंग है। तो 2 साल से मिकी ने प्लान जो किया तो हमें आखिर में वर्ल्ड कप से पहले वो प्लान हमें बिल्कुल फेल होता हुआ नज़र आया। एक बात मैं अपने एक्सपर्ट अच्छा से पूछूंगा कि देखिए अच्छा, जैसे कि शाहब ने कहा कि बैटिंग में इम्प्रूवमेंट, बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट है, बैटिंग में हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए इंग्लैंड की कंडीशंस इस वक्त अलग है, उन्होंने ग्राउंड्स की डायमेंशंस आपने देखी होंगी, शॉर्ट बाउंड्रीज थी, ड्राई बिल्कुल डेड पिचेस थी, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ सीखा है। और सीखा उन्होंने ये है कि उनको उन्हें किसी भी एशियन जो कंट्री है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लैंड इंडिया भी पाकिस्तान की जगह होता और वो अगर 300 रन बनाता तो मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड चेस कर लेता। आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड ने ये चार वनडे अपने लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना के जीते हैं या फिर उन्होंने वर्ल्ड कप में अलग पिचेस देखने को मिलेगी? मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड कप में ज्यादा आपको डिफरेंट पिचेस देखने के लिए नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल अपनी तैयारी की है ये सीरीज खेल के, उन्होंने अपने जिस वन को खेलना है उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ये पिचेस बनाई हैं, और इसी तरीके की 19-20 का फर्क होगा मेरे ख्याल से पिचेस में, ज़्यादा कोई इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप के दौरान, तो इसी तरह की पिचेस होंगी और वो पूरी तरह तैयार है इंग्लैंड की टीम।
और हमें ये देखना होगा, एक चीज में ऐड करना चाहूंगा कि सरफराज साहब जो है हमारे कैप्टन, बतौर कैप्टन उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो मुझे देखने का बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने वो रनआउट की अपील नहीं की उस दिन, वो रनआउट की अपील जो है वो वही करनी मैच का चाहिए थी टर्निंग उनको। पॉइंट था। बिल्कुल इसका मतलब ये कि या तो सरफराज ओवर बर्डन है या कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ टीम के साथ मौजूद है। अब वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होगा, क्या वो हसन अली और शादाब का एक साथ ना होना है, क्या वो आमिर का टीम में ना होना है, या फिर कोई बाउंड्रीज के बाहर, ग्राउंड के बाहर और ड्रेसिंग रूम के हालात में। अच्छा, ड्रेसिंग रूम की कोई खबर आप तक पहुंची है? देखिए, ड्रेसिंग रूम की खबर तो सैफी भाई दे सकते हैं या टीम प्लेयर्स दे सकते हैं या जो वहां पर मैनेजर मौजूद है वो दे सकते हैं, लेकिन हम तो जो टीवी पे जो नजर आ रहे हैं हम वो खबर आप तक पहुंचा टीवी पे सकते हैं। आपको हम ऐसा टीवी क्या नजर आ रहा पे जो हमें नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि सैफी भाई से जो है ना फिटनेस सैफी भाई का साथ नहीं दे रही है अब सैफी भाई, हमेशा? क्योंकि आप ये देखिए कि 50 ओवर फील्डिंग विकेट कीपिंग करने के बाद सैफी भाई से बैटिंग नहीं हो रही थी और बैटिंग करने के बाद सैफी भाई से फील्डिंग नहीं हो रही थी। यही वजह है कि जो रन आउट देने के बाद सैफी भाई ने अपील तक नहीं की, अगर वो अपील करते तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, वो आउट हो जाता टॉम करन तो वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। देखिए, मार्जिन ऑफ एरर मेरे ख्याल से आपको देना होगा, आप सही कह रहे हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन देखिए क्रिकेट में इस तरह के इश्यूज फर्स्ट टाइम नहीं हुए हैं और हमें क्रेडिट देना चाहिए कि सरफराज की फॉर्म वापस आई है, ये चीज़ ग्रे एरियाज है। अच्छा, मुझे बताइए कि बॉलिंग की तरफ आपने, आप दोनों में मुतफिक थे, हम सब मुतफिक हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान और हमारे व्यूवर्स भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारी बॉलिंग जो हमें इतने सालों से जितवाते हुए आई है वो बॉलिंग इस वक्त बहुत मुश्किल में है। इस मुश्किल बिल्कुल को हल करने के लिए इंजी भाई ने एक ख्वाब में आए, पहले 10 दिन ख्वाब में आए वहाब व्यास के, उनको मेंटली तौर पर तैयार किया कि वो 10 दिन में अपनी फिटनेस कर लें, फिर उसके बाद बिल्कुल रुकी ऐसे ही के है। ख्वाब की ताबीर और ख्वाब में आना अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ख्वाब में आना होगा, थोड़ा सा इस बारे में। अच्छा, शाम पहले मुझे बताएंगे कि वहाब व्यास को के टीम में आने से क्या फायदा होगा? वहाब रियाज के आने से टीम में बेस आएगा, ठीक है ना, एक एग्रेशन है उनके अंदर, जैसे उन्होंने कहा कि एग्रेशन बड़ा जरूरी है और वो एग्रेशन लेकर आ रहे हैं टीम के अंदर। मैं उम्मीद करूँ कि एग्रेशन की किसी हद तक रहे, ऐसा नहीं हो कि लड़ाई झगड़े हो जाए पिच के ऊपर, एग्रेशन आज सामने वाली बैट्समैन में आना है। बिल्कुल, अगर उसमें आ गया तो फिर वो जो ये बाउंसर मारते हैं वो ऐसा ना हो गया वो बाउंसर, हर बाउंसर सटे के ऊपर चला जाए। अब ये कि अच्छा एक्सपीरियंस है इनका और अभी प्रीवियसली परफॉर्म करते थे अरे डोमेस्टिक में भी और देखने को मिला अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे रिदम में और बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम अच्छी की उम्मीद रख सकते हैं, अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। फिलहाल अभी बाबा से कम बैक कर रहे हैं और इन्होंने बहुत कुछ सीखा है चैंपियंस ट्रॉफी से आउट होने के बाद, पहला मैच जो इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस पे इनको बैटिंग से बात हुई। शाह, मुझे एक बात बताइए कि वहाब रियाज के हवाले से किसी ने क्या खूब कहा था कि उनको कार्डिफ में अगर छक्का लगे तो बॉल लॉर्ड्स में आगे गिरेगी और लॉर्ड्स से अगर छक्का लगे तो बॉल ओवल में लगे गिरेगी, तो ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस तो बचा रहे हैं वहाब रियाज। आप क्या कहेंगे कि वहाब रियाज क्या चीज ऐड कर सकते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी जो है आमिर है, और अगर आप सेकंड बेस्ट हसन अली के बाद अगर कोई टॉप विकेट टेकर है तो हमारा उस्मान खान शिनवारी है, तो व्हाई नॉट उस्मान, व्हाई वहाब, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है ये है कि हमें नई बॉल नहीं लगानी, पुरानी बॉल का बॉलर चाहिए था। जितने भी हमारे पास आपने नाम लिया, उस्मान खान शिनवारी हो गए या जुनेद खान हो गए या आमिर है या हसन अली भी है, वो नए बॉल ज़्यादा अच्छी कर रहे होते हैं। जहाँ तक जॉनसन हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमाम, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही कि हमें पुराना बॉल का बॉलर चाहिए जो कि रिवर्स स्विंग कर सके, वो उस पे सबसे टैलेंटेड आपको पता है वहाब रियाज है जो कि PSL के टॉप परफॉर्मर भी है। आप सबने PSL में वहाब रियाज की परफॉर्मेंस देखी होगी और 150 पे वो बॉलिंग कर रहे थे, तो 150 पे अभी हसनैन जो कि 150 पे वो भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ सिर्फ बॉल्स वाहिद, 150, कुछ बॉल्स कुछ बॉल्स जो है वो 150 पे जाती है, लेकिन सिर्फ वहाब रियाज ऐसे वाहिद पाकिस्तान के पास बॉलर है जो 150 पे बॉल कर रहे हैं। और रिवर्स स्विंग उनका जितना अच्छा रिवर्स स्विंग वहाब रियाज का है अभी तक इस वक्त जो प्लेयर्स हैं उनमें किसी का नहीं। मुझे अगेन एक बात, अच्छी बात है, वहाब रियाज जो है वहाब रियाज की कॉम्पिटेंसी में कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर 2015 का भी वर्ल्ड कप देखा जाए तो उसमें उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अहम मौके पर 50 की थी, 3 विकेट ली थी, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल जो ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल को उन्होंने
पूरा ओवर खेलने तक नहीं दिया। शेन वॉटसन को बॉल नजर नहीं आ रही थी, वो बॉल नहीं गोली करवा रहे थे, वो गोली की तरह जा रही थी, बॉल करवा तो बॉल रहे थे लेकिन वो जा गोली की तरह रही थी और शेन वॉटसन परेशान हो गए थे। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि वो जब वहाब रियाज की बॉल पे कैच छोड़ा था राहत अली ने, तो इंडियन कमेंटेटर्स ने कहा था कि आपने जो है ना वो कैच ही छोड़ा है, वर्ल्ड कप का ढक्कन छोड़ दिया है, कैच छोड़ दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि हमने हसनैन को भेजा था इस वजह से कि उसका नया एक्सपीरियंस है, नया बच्चा है, PSL में परफॉर्म किया है और वो जो है इंग्लैंड की कंडीशन से जो है वो फैमिलियर होगा, ड्रेसिंग रूम से फैमिलियर होगा, इंटरनेशनल प्रेशर आपको पता है अलग होता है। लेकिन हम वापस से भेजते हैं तो जुनैद खान जो कि एक्सपीरियंस है, रिवर्स स्विंग की आपने बात की, जुनैद खान भी रिवर्स स्विंग है, लंका शहर से एक अरसे तक जुनैद खान काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन जुनैद खान का की एक्सक्लूजन प्लस जो उनका रिएक्शन, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जुनैद खान का जहां तक है सवाल, तो जुनैद खान को दो मैचेस मिले, उन्होंने दोनों मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके और बहुत ही मैं कहूँगा बहुत मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि जुनैद खान मुझे बहुत पसंद थे, मैं खुद उनकी सिलेक्शन पे काफ़ी अरसे से बोल रहा था कि जुनैद खान को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए, लेकिन अभी जो लास्ट टू वनडे की जो ODIs की परफॉर्मेंस के बाद मैं खुद ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि जुनैद खान की टीम में अब जगह नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे आगे वर्ल्ड कप में जो है वो अगर वो लेकर जाते तो मुझे नहीं लगता था कि वो विकेट्स ले सकते थे अच्छी बॉलिंग कर। और उनका रिएक्शन जो उन्होंने मुंह पे टेप लगा के ट्वीट किया, और ये देखिए ये एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा होता है कि आप उसको एक ट्वीट करें और उसके ऊपर मुंह पे टेप लगा के जो है वो करें, जिसके ऊपर ICC ने भी वही ट्वीट ICC ने भी रिट्वीट किया है, तो इससे आपका ये देखिए कि कंट्री का इमेज जो है वो खराब हुआ है, उनका अपना इमेज खराब नहीं हुआ, वो कंट्री का इमेज खराब हुआ, तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए थी और ये उम्मीद है आगे वो शायद ऐसे करते हैं। उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने कहा मेरा मुंह नहीं खुलवाओ और सच हमेशा कड़वा होता है। किसको मैसेज देना चाह रहे थे, सिलेक्शन कमेटी को, उस सिस्टम को PCB के, या फिर क्राइटेरिया को सिलेक्शन के? देखिए इसमें तो तीनों ही चीजें आ जाती है, सिलेक्शन भी आ जाती है, सिस्टम भी आ जाता है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें मिलके जो है वो ना कोई एक चीज, तो सिलेक्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकती, मिकी ऑर्थर जब तक नहीं चाहेंगे या कप्तान मिकी ऑर्थर, मैनेजर, टीम मैनेजमेंट, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है, तो इसमें आपकी सारी ही चीजें किसी आप एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि इंजमाम ने उनको वापस बुलाया या मिकी ऑर्थर ने वापस बुलाया या कप्तान से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो कप्तान ने उनको फेवर नहीं किया। आपकी नॉलेज में इजाफा करते चलूं कि अभी रिसेंटली एक बात सामने आई, उसके मुताबिक जो हमारे सिलेक्शन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहतरम जनाब इंजमाम उलहक साहब हैं, ये भी इंग्लैंड ट्रैवल कर रहे हैं और ये टीम को नेट प्रैक्टिस में एक टिप्स देंगे बैट्समैन से, मतलब ये ऐसी कौन सी टिप्स थी जो पिछले एक साल से नहीं दी जा सकती थी, ये इंग्लैंड में ही दी गई और इनका जितना भी खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, ठीक है, प्लस फिर ये उस एज पर ICC रूल ये उस होटल में भी नहीं रह सकते, तो इंजमाम अगर इंजमाम को ही जाकर अगर टिप्स देनी है, बैटिंग टिप्स देनी है, तो फिर ग्रांड फ्लावर भी मौजूद है। देखें अब ये तो ICC को देखना पड़ेगा इस चीज को, और ये कि अगर वो जा रहे हैं, और PCB को देखना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो इसको कि PCB को इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, मैं समझता हूं एक्स्ट्रा प्रेशर है, और ये फजूल खर्च में भी आता है, स्ट्रेटेड ड्राइव जहां पर मुल्क में चल रही है और ऐसे मौके पर इस तरीके का कुछ स्टेप लेना तो अच्छी बात नहीं है। और जुनैद खान की बहुत अच्छी बात है, जुनैद खान ने जो फैसला किया वो जज्बाती फैसला था उनका, और वो कुछ बता मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर, तो वो बिल्कुल सही कहा आपने कि सिलेक्शन कमेटी और PCB का सिस्टम जो उसके ऊपर भी वो बात करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से दो मैच खिला के उनको टीम से वर्ल्ड कप स्कोर से बाहर निकाल देना ये दो चीज है। देखिए थोड़ा सा क्लियर कर दो, रिजर्व प्लेयर में भी इंक्लूड है, रिजर्व प्लेयर आपको पता है कौन है, फहीम अशरफ, आबिद अली और सर रिजवान। अच्छा ये मेरे पास कल ही मेरे पास जो है वो न्यूज मुझे मिली है कि रिजवान मोहम्मद रिजवान को जो है वो फॉरेन क्लब का बुला लिया गया है, और आबिद अली भी इंग्लैंड में ही है, उनको भी जो है इंग्लैंड में ही रखा जा रहा है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये मिकी ऑर्थर के कहने पे हो रहा है, इंजमाम के कहने पे हो रहा है, और खुद इंजमाम जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंग्लैंड जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो क्यों इंग्लैंड जा रहा है,
इसमें जो पीसीबी चेयरमैन पीसीबी है एहसान मानी, और मैं खुद उनसे जो है वो कहूँगा कि इस चीज के ऊपर वो एक्शन ले कि ये चीजें आप खत्म होनी चाहिए, यानी चेंज जब चेंज आया है तो क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ चेंज हमें नजर आना चाहिए। वही जो 15-20 साल से 30 साल से चलता हुआ आ रहा है वही अब दोबारा नहीं होना चाहिए। 15 अप्रैल को इंजमाम की जो टेन्योर है वो सिलेक्शन कमेटी खत्म हो गया, तो हो सकता है वो अपना नया रोल देखें। खैर बातें तो चलती रहेंगी और बातें कभी खत्म होंगी नहीं और हम खत्म करेंगे भी नहीं। वीलॉग हमारा यहीं पे जो है हम एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी क्यूरीज भेजें, अपने फीडबैक दें और इस चैनल को लाइक करें। तो लाइक और आप सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की मैच से पहले, और उससे पहले पाकिस्तान के प्री दो मैच सेरेमनी। प्री मैच में होंगे, पाकिस्तान के दो वार्म अप मैचेस हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑफ बीट।